नमस्कार, मैं हूं फातिमा और आप देख रहे हैं डी भारत न्यूज़। आज मैं दिब्बई नगर में मौजूद हूं और यहां के सभासद इजहार अली से बात करूंगी और जानूंगी कि जनता से उन्हें कितना समर्थन मिला है। सबसे पहले तो आपको डी भारत न्यूज़ के माध्यम से बहुत बहुत बधाई देती हूँ। सर, कितने वोट से आप चुनाव जीते हैं? हम 76 वोट से चुनाव जीते हैं। जी जी, जनता के लिए क्या काम करना चाहेंगे? जनता के लिए तमाम मेरे मुद्दे हैं रहेंगे और काम करूंगा। जैसे हमने चुनाव लड़ने से पहले मैंने नगर में भ्रमण और बाद में अपने भ्रमण किया था, तमाम समस्याएं थी और उन समस्याओं को मैंने देखा। सबसे पहले मेरी प्रमुख समस्या ये थी, बाद में तमाम वृद्ध महिलाएं थी और विधवा महिलाएं थी जो अपने हक यानी कि पेंशन से अछूती थी, उनको सबसे पहले मेरा हक दिलवाना था, ये मेरी प्रथम प्राथमिकता रही। और फिर उसके बाद में जो आवास योजना के नाम पर जो है धांधली होती थी, उसको धांधली को रोकने का पूरा प्रयास करूंगा, उनको जो है निःशुल्क आवास उपलब्ध कराऊंगा। उसके बाद जो नगर की वार्ड की जो माई टूटी फूटी सड़कें थी उनका जो है जीर्णोद्धार कराऊंगा और नई सड़कों के लिए निर्माण हेतु जो है बोर्ड बैठक में जो उसका प्रस्ताव रखूंगा। और जो हमारी आवाम है नगर वार्ड की, उनकी जो भी समस्याएं हैं उनको सुनूंगा और जो है बोर्ड बैठक में हर महीने मीटिंग कराऊंगा और उसमें जो है वो समस्या अपनी रखूंगा चेयरमैन के सामने। हमारी डी भारत न्यूज़ के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें जो है मेरा कोऑपरेट करें सभी लोग, सभी जनता से भी यही समर्थन मांगते हैं, जो मेरे सकारात्मक कार्य हुए उनमें हमारा जो है हमसे लाभदायक करें, मेरा उसका वर्णन करें। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।